महिलाओं में ऑर्गेजम्स कैसे होते हैं, ये सवाल काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। महिलाओं में ऑर्गेजम्स कैसे होते हैं? ऑर्गेजम का मतलब होता है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में एक आह एक्सपीरियंस आता है और एक डाउनफॉल आ जाता है बाद में, एकदम रिलैक्स बाद में लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेजम। जब सेक्स एक्टिविटी शुरू होती है तो पुरुष को जैसे विचार आना शुरू होते हैं, इमोशंस आना शुरू होते हैं, वैसे फटाक से इरेक्शन आता है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट करो। इसके विपरीत औरत का है। औरत को एक्साइटमेंट के लिए टाइम लगता है, औरत को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है फोर प्ले में, कि पहले कामक्रीड़ा करो, पहले एक्साइट करो और अलग अलग शरीर के अंग को किस करो, हक करो, सक करो, तो ऐसे अलग अलग अंग को एक्साइट करो, खेलो, पहले पूरे कपड़े रख कर खेलो, बाद में कपड़े निकाल कर खेलो, पूरे कपड़े निकाल कर फिर योनि लिंग जो रहता है ऑर्गेजम उसको टिकलिंग करो, फिंगरिंग करो, तो उसमें उसको बहुत मज़ा आता है। कभी कभी तो फोर प्ले में ही औरतों को पूरा ऑर्गेजम हो जाता है, उनको पूरा समाधान उसमें हो जाता है, मतलब पेनिट्रेशन की उनको जरूरत ही नहीं होती है। तो औरत को एक्साइटमेंट में आने को टाइम लगता है, तो उसको पूरा एक्साइट होना होने देना चाहिए आदमी ने। और जब पूरी एक्साइट वो हो जाती है और फिर बोलते हैं कि अभी आप पेनिट्रेशन करो, अभी पेनिस का लिंग का योनि में प्रवेश करो, मतलब डालो अंदर, तब वो सेक्स एक्चुअली चालू करना चाहिए। अभी उसमें सेक्स में जब आदमी जब स्ट्रोक लगाते हैं तो उसमें उसको बहुत अच्छा लगता है। वजाइना का जो आउटर थर्ड है, मतलब बाहरी तीसरा हिस्सा, वो बहुत सेंसिटिव रहता है, तो उसमें उसको बहुत एक्साइटमेंट आता है। और वैसे स्ट्रोक जब देते हैं तब उसका जो योनिलिंग रहता है, मतलब क्लाइटोरिस, उसको भी स्ट्रोक मिलते हैं नेचुरली, उसको भी एक्साइटमेंट मिलती है। तो इसमें वो अलग अलग आवाज़ कर सकती है लेडी, अलग अलग एक्साइटमेंट में अलग अलग बोल सकती है, अलग अलग चित्कार दे सकती है, कुछ औरतें आंखें बंद करके एंजॉय करती है, तो इसमें अलग अलग तरह है। और जब वो एकदम चरम सीमा पे पहुंचती है एक्साइटमेंट पे, और बाद में फिर उसको एक एक्सपीरियंस आता है रिलैक्स होने का, और हाँ एक्सपीरियंस उसको आता है, तो इस तरह उसका ऑर्गेजम होता है। अब ये आदमी का काम ही है, पुरुष का, कि भाई ये ऑर्गेजम जो है उसका, वो उसका पहले होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आदमी का पहले इजैकुलेशन हो गया तो नेचुरली उसका इरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कड़कपना ख़त्म हो गया, तो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और फिर औरत अधूरी हो रह जाएगी, उसको ऑर्गेजम आएगा ही नहीं। तो आदमी की जिम्मेदारी ये होती है कि एक तो दोनों का साथ में होना चाहिए, जो एक कला है, स्किल है, कि दोनों का एक साथ हो जाए, और नहीं तो फिर औरत का पहले करके देना चाहिए और फिर आदमी का होना चाहिए। और औरत का पहले होना चाहिए तो उसको तो टाइम लगता है, तो इसलिए फोर प्ले में ज़्यादा समय देना चाहिए। फोर प्ले में जब आप ज़्यादा समय देंगे तो फिर पेनिट्रेशन के बाद में, अंदर डालने के बाद में, फिर ज़्यादा समय लगेगा नहीं ऑर्गेजम आने के लिए, उसको हाँ एक्सपीरियंस आने के लिए, और फिर उसको अच्छा लगेगा। एक बार पेनिट्रेशन हो गया, इजैकुलेशन हो गया, उसका स्त्री का ऑर्गेजम हो गया, उसके बाद में आफ्टर प्ले करना जरूरी है। आफ्टर प्ले या आउट प्ले बोलते हैं उसको, वो करना जरूरी है, मतलब उसके बाद में भी हग करना, किस करना, एक दूसरे के बाहों में पड़े रहना, वो जरूरी है, क्योंकि यदि वो करते नहीं हैं और तुरंत अलग अलग हो जाते हैं तो औरत को एक एक्सपीरियंस ऐसा आता है कि मुझे भाई वापर लिया, मेरा वापर कर लिया, और बाद में अभी पूछता भी नहीं है, उल्टी तरफ मुंह करके सो गया है, और थोड़ी देर में आदमी को नींद लग जाती है, औरत चिढ़ जाती है कि उसको ऑर्गेजम भी नहीं हुआ और बाद में उसने पूछा भी नहीं। तो औरत का ऑर्गेजम बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी का ये परम कर्तव्य है कि औरत का ऑर्गेजम होना चाहिए, उसके लिए वो जिम्मेदार है, और औरत ने भी बोलना चाहिए उसको ऑर्गेजम हुआ नहीं हुआ, कहाँ टच किया तो एक्साइट होता है, कहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब औरत ने बस एक्सप्रेसिवली बोलना चाहिए, ताकि एक सेक्स लाइफ अच्छी तरह से दोनों जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है, कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये
ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।